झीरम घाटी के नक्सली हमले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर और एनआईए पर हमला बोला है। मंत्री शिव जहेरिया ने आरोप लगाया है कि झीरम की घटना एक सुपारी किलिंग है। तत्कालीन रमन सिंह सरकार इसमें संलिप्त थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, तीन मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए। मंत्री मोहम्मद अकबर ने एनआईए से पूछा है कि क्या पांच साल में एनआईए ने लोगों से पूछताछ की है। एनआईए कभी कहती है कि जांच हो चुकी है और फिर कहती है कि जांच चल रही है। मंत्री रविन्द्र चौबे ने जांच पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि वो कौन लोग हैं जो जांच से डर रहे हैं और उससे रोकना चाहते हैं। मैंने जांच शुरू की उसके पहले सारे बस्तर में लखन्ना रमन्ना जैसे बहुत सारे नाम जांच में आया था, लेकिन आखिर एनआईए के पहले प्रतिवेदन में उन नामों को क्यों हटाया गया, ये सारी राजनीतिक बातें हैं। इसलिए आवश्यक है हम जब चाहते हैं, एनआईए ने पहले सबमिट कर दिया कि जांच रिपोर्ट पूरी हो चुकी। अगर आपने कहा कि जांच रिपोर्ट पूरी हो चुकी, अदालत में आपने बयान दिया है, तो फिर से हमारे द्वारा किए गए एफआईआर को एनआईए को सौंपने के संदर्भ में आपने पत्र क्यों लिखा।